हेलो ऑल, वेलकम टू बायो पाठशाला और मैं हूं आपके एजुकेटर अनीता। सो दिस इज़ द PYQ दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज द रीजन दैट कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ऑफ फूड। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ देख लिया था। तो आज शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज हिस्टोलॉजी ऑफ गट। गट मीन्स एलिमेंट्री केनाल, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। सो हम उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि कितनी लेयर्स होती हैं या उसके कितने पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज जो वॉल है गट की, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम एंड इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज सीरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सम म्यूकोजा एंड द इनर मोस्ट इज म्यूकोजा। इन चारों लेयर्स को हम डायग्रामेटिकली सबसे पहले बना के देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। तो बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने इस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एलिमेंट्री केनाल, केनाल इज वॉट। केनाल इज इन हिंदी, द मीनिंग ऑफ केनाल इज नहर। सो जैसे केनाल में क्या है, वाटर जो है वो एक डेस्टिनेशन से अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए मूव करता है। इन द सेम वे एलिमेंट्री केनाल में क्या है कि जो फूड है दैट विल ट्रेवल फ्रॉम माउथ टू एनस। बीच वाले पोर्शन में डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, बट दैट इज द मीनिंग ऑफ केनाल, राइट। सो This is TS of the transverse section of the human gut. ठीक है, ये transverse section है gut का। ये अभी जो मैं draw कर रही हूँ, this is circular muscles और इसके बाहर जो मैंने ये छोटे छोटे circles बनाए हैं brownish color के, these are the longitudinal muscle. और सबसे बाहर वाली जो layer है yellow color में जो मैं draw कर रही हूँ, that is serosa. इस layer को बेटा serosa क्यों कहते हैं? Serosa means something that is smooth. ये एकदम स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, कोई फोल्ड्स नहीं होंगे, कोई जिगजैग मोशन नहीं होगा इसमें, दिस इज स्मूथ, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज सीरोसा। इनर टू सीरोसा इज मस्कुलरिस, जो कि मैक्सिमम पार्ट में दो रीजन्स में मिलेंगी। उसमें मिलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल और सेकंड जो मिलेंगी दे आर द सर्कुलर मसल्स। बट इन केस ऑफ स्टमक एंड एडिशनल लेयर ऑफ मसल दैट आर नोन एज oblique muscles, they are also present. Now next to this is submucosa and the innermost is mucosa. Mucosa ke jo andar nazar aa raha hai portion, that is the lumen, jisme ki khana present rahega. So that is histology of human gut. Ab dekho beta, hum padh to lete hain ki this is transverse section, this is longitudinal section, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी पता नहीं होता कि ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे कट करते हैं या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे कट करते हैं और वो कट करके फिर कैसा नज़र आता है। सो चलिए देखते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। सो सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट जिसको कि हमें कट करके देखना है ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। नाउ इमेजिन दिस इज द एलिमेंट्री केनाल। अभी हमने पढ़ा ना हिस्टोलॉजी ऑफ गट। सपोज एलिमेंट्री केनाल भी ऐसे ही सिलेंड्रिकल होती है, बस वो अंदर से हॉलो होगी, ये फील्ड है वो हॉलो होगी। तो हमें उसकी वॉल्स देखनी है। तो हम कौन सी डायरेक्शन में कट करेंगे इसे? लाइक दिस। अगर हम इसे ऐसे कट करेंगे तो जो सेक्शंस आएंगे दे आर द ट्रांसवर्स सेक्शंस। ट्रांसवर्स सेक्शंस आर ऑल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शंस। सो अभी हमने जो हिस्टोलॉजी ऑफ गट में देखा सेक्शन, वो इसी तरह से कट था ना, और उसमें जो लेयर्स हैं वो आउटर टू इनर सारी नज़र आ रही हैं, सीरोसा अप टू म्यूकोजा। सो दीज आर द ट्रांसवर्स सेक्शंस। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पार्ट को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम उसका देखना चाहते हैं तो उसको हम कैसे कट करेंगे? लाइक दिस, वर्टिकली। तो जब हम उसे वर्टिकली कट करेंगे सो इट विल लुक लाइक, द सेक्शंस विल लुक लाइक दिस।
आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट को लेके कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो याद रखने लायक पॉइंट है, दैट इज कि बेटा मस्कुलैरिस में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगी ना, दे आर आउटर, और सर्कुलर मसल्स जो होंगी दे आर इनर। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर आउटर एंड सर्कुलर मसल्स आर इनर। जिनको याद रह जाएगा बहुत अच्छी बात है, पर जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन है उनके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद क्या करते हैं? समोसा। तो समोसे में अगर आप देखोगे ना, तो बाहर की साइड पे वो बबल से नज़र आते हैं, वो फ्राइड रहता है, तो फिर उसकी वजह से, वो ऑयल की वजह से बबल्स बन जाते हैं। तो उन बबल से याद रखना कि ह्यूमंस में क्या है, समोसे की तरह बबल्स जो हैं वो आउटर सरफेस पे हैं, दैट मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर आउटर। थोड़ा वियर्ड है बट ठीक है, हमें जस्ट याद रखने के लिए एग्जांपल चाहिए, राइट? नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गट। पहली कौन सी थी बेटा? सिरोसा। सिरोसा, जैसे कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि सिरोसा मींस सिंपल मेम्ब्रेन और स्मूथ मेम्ब्रेन। वो स्मूथ होगी, उसके ऊपर कोई फोल्डिंग्स या कुछ भी, उसमें जिगजैग या ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एकदम स्मूथ जो है वो मेम्ब्रेन है, दैट इज सिरोसा। सो सिरोसा क्या होगी? दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। स्क्वैमस एपिथीलियम क्या होता है, ये हम टिश्यू वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना याद रखो कि दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, दैट इज ऑल्सो नोन एज मीजोथीलियम, उसी को ही कहते हैं मीजोथीलियम भी। ठीक है, अच्छा, जो सिरोसा है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, कि जो सिरोसा है दैट इज एब्सेंट इन ईसोफेगस एंड रेक्टम। ईसोफेगस एंड रेक्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन है, और सिरोसा इन पोर्शंस में एब्सेंट है। देखो बेटा, जो ईसोफेगस है, सिरोसा जो है थोड़ी डेलिकेट होती है, जब हम खाना खाते हैं तो ईसोफेगस में क्या है ना, थोड़ी हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि फूड का सिर्फ मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ होता है थोड़ा माउथ में, गलती से भी अगर कोई हार्ड पार्ट या ऐसा कुछ ईसोफेगस से पास होते हुए लग गया उसमें, तो उसमें तो कट लग जाएगा, वो तो फट जाएगी। ठीक है, इसलिए ईसोफेगस में सिरोसा की जगह क्या होता है, इट हैज अ सिंगल लेयर ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एडवेंटिशिया। वैसे ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आएगा ना माइंड में कि अगर ईसोफेगस में सिरोसा नहीं है तो फिर क्या है, सो दैट इज अ लेयर ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एडवेंटिशिया। क्लियर? नेक्स्ट जो लेयर आएगी इनर टू सिरोसा इज मस्कुलैरिस। इसके बारे में अभी हमने पहले डिटेल में देख लिया कि आउटर लेयर कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, और इनर लेयर कौन सी है, सर्कुलर मसल। इसके अलावा स्टमक में एक एडिशनल लेयर आएगी, दैट इज नोन एज द ओब्लीक मसल्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलैरिस। नेक्स्ट टू मस्कुलैरिस इज सबम्यूकोजा। अच्छा बेटा, हम ग्लैंड्स के बारे में अभी डिटेल में देखेंगे, स्टमक जब हम पढ़ेंगे या स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, जो ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, सबकी सब म्यूकोजा में। ओनली सिंगल ग्लैंड एक आएगी, द नेम ऑफ दैट ग्लैंड इज ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, दैट इज अ सब म्यूकोजल ग्लैंड। वही एक ग्लैंड है जो सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती हैं। बाकी हम जितनी भी प्रेजेंट ग्लैंड्स पढ़ेंगे, चाहे वो स्टमक में है या इंटेस्टाइन में है, दे आर म्यूकोजल, राइट? एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन सब म्यूकोजा इज कि दे हैव नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। ये लाइन क्लियरली एनसीईआरटी में भी मेंशनड है, सो याद रखना कि नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स कहाँ पे हैं, सब म्यूकोजा में। नाउ द इनर मोस्ट लेयर दैट इज म्यूकोजा, ठीक है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग यही है। सो इट इज इनर मोस्ट लेयर, फर्स्ट पॉइंट, और इसमें क्या होते हैं, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं बेटा, म्यूकस। ठीक है, ध्यान से सुनो,
जो म्यूकोजा है वो इनर मोस्ट लेयर है और इट हैज गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल्स जो हैं दे सिक्रीट द म्यूकस. अच्छा, अब जो म्यूकोजा है उनका थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट रहेगा स्टमक में और इंटेस्टिन में. देखो, स्टमक में जो है इट फॉर्म इरेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड रूगे. ठीक है, रूगे क्या है, वहाँ पे इरेगुलर फोल्ड्स होंगे. स्टमक जो है ना काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड हो जाता है सो दैट कि वो फूड को स्टोर कर सकें. अब देखो बेटा, कई बार हम दो रोटी खाते हैं, कई बार खाना अच्छा लगे तो हम तीन भी खा लेते हैं. तो अगर उसका साइज फिक्स रहता तो एडिशनल अमाउंट ऑफ फूड उसमें नहीं आ सकता था, राइट? सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी द रूगे. नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोजा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजा है दैट गिव राइज टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज द विलाई. विलाई का बेटा हम फंक्शन देखेंगे अभी जब हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन देखेंगे. देखो, डाइजेशन जो है वो पूरी तरह से आपकी इंटेस्टाइन में हो जाएगी एंड आफ्टर दैट जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा वो भी इंटेस्टाइन में होगा. सो हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए इंटेस्टाइन में. ठीक है, सो म्यूकोजा वहाँ पे फोल्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा एंड फॉर्म द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई. अब देखो, इनके जो डिप्रेशंस होंगे नीचे वाली तरफ दे आर नोन एज क्रिप्ट्स. ठीक है, इन डिप्रेशंस को कहेंगे क्रिप्ट्स एंड दिस इज नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लेबेकुहन. ये जो सिक्रीट करेंगी दैट इज सक्कस एंटारिकस और इंटेस्टाइनल जूस. कहाँ पे होगा ये सब, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, और इसके ऊपर ये जो विलाई के ऊपर और आपकी ब्रश पाउडर लाइक स्ट्रक्चर हैं दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोविलाई. ये सारे रीजन्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन. क्लियर? सो म्यूकोजा फॉर्म्स क्रिप्ट्स बिटवीन द बेस ऑफ विलाई एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. दे आर कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लेबेकुहन. ठीक है ना, तो उन रीजन्स को हम कहेंगे क्रिप्ट्स ऑफ लेबेकुहन. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो नर्वस सप्लाई है गट की वो कैसी है. ठीक है, नाउ नर्व सप्लाई में हम पढ़ेंगे वन इज सब म्यूकोजल प्लेक्सस. अच्छा, या इनको हम कहेंगे मिसनर प्लेक्सस. अच्छा, प्लेक्सस क्या होते हैं बेटा, दे आर नेटवर्क ऑफ नर्व्स. ठीक है ना, वो जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे या कुछ सिग्नल देंगे उस रीजन को. सपोज हम जब खाना खाते हैं ग्लैंड्स ने कब सिक्रीशन करनी है, कब स्टॉप करनी है, सो दैट ऑल इज डन बाय द नेटवर्क ऑफ नर्व्स कॉल्ड प्लेक्सस. सो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो प्लेक्सस प्रेजेंट होंगे, वन इज इन सब म्यूकोजा दैट इज ऑल्सो नोन एज सब म्यूकोजल और मिशनर प्लेक्सस. ठीक है ना, वो जो लोकल ब्लड फ्लो है उसको रेगुलेट करेगा और पीछे मस्कुलारिस में जो प्लेक्सस प्रेजेंट है उनको भी सिग्नल देगा. ठीक है, सेकंड जो है माइंट्रिक और बाश प्लेक्सस, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, पीछे मस्कुलर वाली लेयर में. मस्कुलर वाली लेयर में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बिटवीन सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पेरिस्टालिसिस में, राइट? सो दो तरह के हमने प्लेक्सस पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम में. वन इज सब म्यूकोजल प्लेक्सस जो सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होंगे और लोकल ब्लड फ्लो को रेगुलेट करेंगे एंड सेकेंड वन आर द माइंट्रिक और बश प्लेक्सस जो कि मस्कुलारिस में प्रेजेंट होंगे और पेरिस्टालिक मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, उनको देखेंगे एंड हेल्प टू मूव द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम oral part to the anal region. Clear? Now this is PYQ from the NEET 2021. The question is, succus entericus is referred to as pancreatic juice, intestinal juice, gastric juice and the chyme. I hope you know the answer. Please mention it in the comment box. And that's all for today. If you like the session, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.